नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मैं इस YouTube चैनल पर। फिलहाल बज रहे सुबह के 10:20 और तारीख है आज 20 अक्टूबर 2024। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज हम जा रहे हैं राइड पे। आज संडे है तो हम और चंद्रा भैया राइड पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। अभी चंद्रा भैया इस भाई इस रीजन के चंद्रा भैया हैं तो सारी जानकारी है उनको, तो वो जहाँ भी डिसाइड करते हैं वहीं पर हम भी चले जाते हैं राइड करने में। और वो डिसाइड अच्छा करते हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन राइडर है वो। तो बाइकर बेहतरीन राइडर भी हैं, बाइकर भी हैं। तो फिलहाल जल्दी से हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद चंद्रा भैया को फ़ोन लगाएंगे कि कहाँ मिल रहा है। उनकी बाइक मेरे पास है, मेरी बाइक उनके पास है। कल हम लोग मिले थे तो हम लोग ने एक्सचेंज कर ली थी, तो उनकी बाइक लेके निकलेंगे और फिर उनसे मिलेंगे और फिर जहाँ पे भी वो बताएंगे अपन राइड पे निकल जाएंगे आज। तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। ये रहा मेरा भोजन, पनीर दाल चावल रोटी और सलाद, साथ में मिर्च का अचार। तो जल्दी से भोजन करेंगे और फिर निकलेंगे। तो ये रही अपनी चंद्रा भैया की क्लासिक 500 और बहुत ज़बरदस्त लगती है। बारिश भी होगी क्या भाई, एकदम मतलब नॉर्मल क्लासिक से ज़्यादा बड़ी दिखती है। खासकर इन्होंने जो पेंट है वो रिम में भी करके रखा, देखिए। और एक डिस्क ब्रेक जो रेड कलर का, तो काफ़ी मैसिव और काफ़ी बढ़िया दिखती है और बहुत अच्छी चलती भी है। कल चला के इसको लेके आए, बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं तो बाइक एक्सचेंज भी करेंगे अगर मूड होगा तो, नहीं तो इसी को चलाते हुए डेस्टिनेशन तक जाएंगे। कोशिश करेंगे बढ़िया राइड हो। ये बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब क्लासिक 350 भी चलाई है तो ये 500 है, बहुत ही मज़ेदार। और वास्तव में इन्होंने जो इसमें वाइब्रेशन होता है चंद्रा भैया ने मॉडिफिकेशन कर करके काफ़ी कम कर दिया है। और जो खैर इसका वाइब्रेशन है वो तो यार कल्ट है यार, मतलब उसमें ये फील नहीं आता कि इंजन कमज़ोर है, उसमें ये इंजन की एक पहचान ही लगती है। और बहुत मज़ा आता जब आपकी बाइक चल रही हो, मतलब फील हो रहा था कि हाँ यार आपकी बाइक जो है वो जिंदा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, 350 से ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रही है, अच्छी भी लग रही, बड़ी भी लग रही। पता है ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि ऐसा सही में, बट मुझे 350 से मज़ा बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा। मुझे लगता है पावर तो ज़्यादा आएगी, लगता है 29 BHP की होती थी, 27 या 29 BHP की, तो पावर तो इसमें ज़्यादा रहता ही है। बहुत मज़ेदार लेकिन चलाने में, मतलब मुझे अपनी बाइक की बिल्कुल कमी नहीं लग रही, याद आ रही। और मैं अभी इसी को चलाऊंगा आज। देखिए चंद्रा भैया कब तक पहुंचते हैं। इंजन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। यही इंतजार करते हैं चंद्रा भैया का। द राइड रूम एंड वंडर, इतना बढ़िया चैनल था। देखिए आगे अपने चंद्रा भैया अलग लुक में, आज बैग अलग टाइप का है और जैकेट भी है। मैंने बस ग्लव्स पहना है और नी गार्ड मेरा बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे नया लेना पड़ेगा, वो तभी पहन पाऊंगा। और एल्बो गार्ड जरूर नहीं पहनना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। है भाई यार आप वही चलाओगे? अरे बहुत मजा आया, मजा कल भी मजा आया, आज भी चलाया, बहुत मजा आ रहा है आपको, समझे? तो हम ये चलाएंगे, अभी आप वही चलाते रहो। हाईवे में दे देना। हाँ ठीक है ठीक है, हाईवे में दे देना, हम हाईवे में चलाएंगे। ठीक है, देखिए बाइक तक नहीं दे पा रहे बेचारे, इतनी अच्छी चलती है, एडिक्शन टाइप का लगता है। आपकी बाइक सही बहुत अच्छी चलती है, अरे बोल रहे बहुत अच्छी चलती है, आज आप खुद भी मेंटेन्ड है एकदम। हाँ चलिए, कहाँ का भी वहीं का प्लान है जहाँ अपन एक ढाबा है नागपुर रोड, अगर राइड अच्छी करें स्मूथ राइड, हमको क्या ऑफ रोडिंग का भी मन नहीं कर रहा है। तो कहा उधर ऑफ रोडिंग है? ऑफ रोडिंग नहीं है बट रोड फिर थोड़ी आखिरी की रोड ना वो है,
एक तो धूल धूल है हाईवे में, साफ सुथरा नहीं है, और फिर उसके बाद गांव की रोड है स्मूथ, फिर मेरा उधर का एकदम स्मूथ का मतलब एकदम बस आदमी हाईवे में खींचे रहता, मजे नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी, मतलब ऐसे खींचे रहो गाड़ी भाग रही है। मैं चाह रहा हूँ कोई ढाबा जाके खा के आगे, मैं चाह रहा हूँ कोई बढ़िया जगह दे, मैं जैसे उस दिन बढ़िया सेंटर ऑफ इंडिया गया कुछ बढ़िया उसी टाइप का कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ आज मैं, गए ढाबे में खा के आगे तो लोग बोलेंगे ससुर राइडर नहीं ढोंगी है, कह रहे हैं बस खाते जाते हो गया तो चलो यार। वैसे इस वाले में हाईवे वो कितना है जो आप बोल रहे हो गाँव वाला रस अशोका वहाँ है क्या? पहले ना अशोका का वो है रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट, मतलब उसने डिक्लेरेशन लिखा है कि भाई मैं अब बौद्ध बन गया हूँ तो आप लोग भी धर्म का पालन। ये तो अच्छी जगह है भैया, हिस्टोरिकल प्लेस है, मेरा सपना रहा है मैं हमेशा हिस्ट्री पढ़ता था। चलो हो गया यार, आप घुमा दो मेरे को थोड़ा, आप घूमे हो गए पर मैं घूमना चाहता हूँ, चले बहुत पैसे वाली पार्टी है यार, महंगी महंगी सारी गाड़ियां रखे हैं। ये देखो अपने चंद्रा भैया जो है म्यूज़िक का आनंद लेते हुए भी जा रहे हैं, और मैं सोचूं मैं भी ये ख़रीदूं, अभी देखता हूँ ये कैसा बोल रहे हैं, इसे म्यूज़िक रैप सुनते हुए जा रहे हैं तो कैसा लगता है, और अगर सेफ़ रहा तो मैं भी ऑर्डर कर दूंगा। यार इसमें म्यूज़िक तो अच्छा बज रहा है, बहुत क्लियर बहुत साफ, और ये गाना कौन सा बजा दिए, दिल तोड़ के मेरा वफा है मेरी याद करूँगी। अरे ये तो आप ये गाना सुनते हुए भगाए रहते, वाह क्या बात है, पुराने दिन याद आ गया, और कितना अच्छा बज रहा है यार, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बाहर की भी आवाज आ रही है और बढ़िया, ये मजेदार चीज है। इसमें अगर मेरे पास हो तो अपन बात भी कर सकते हैं ना यार, बढ़िया चीज है, फिर खरीदा जाए, बहुत सारी चीजें जो मुझे खरीद। चलिए हम सबका प्यारा जियो बीपी आ गया, यहाँ टंकी फुल कर दे कर दीजिए, बघेली निकल रहा है यहाँ, हाँ ऑनलाइन रहेगा। लीजिए टैंकर भी आ गया जियो बीपी का, हाँ यार बोल गया मटर अच्छे से डाल दिया, बड़ा लाल मटर है, मंदिर बहुत है यहाँ पे बाबा साहेब, कितने बढ़िया पत्थर है, अच्छा
अच्छा ये उल्टा लगाएंगे। ये कि बड़ा बढ़िया जगह है, इन सब को भी ब्लॉग में ले लेते हैं। सब्सक्राइब करना ना, रुको सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मिल गया है कि ये देखिए क्या नाम है, अजीत दाहिया, अजीत दाहिया, ये देखो ये हमारे लेटेस्ट सब्सक्राइबर, लिखो यूट्यूब में अपने RICKY। ये तो ये है हमारे लेटेस्ट सब्सक्राइबर, जिसके इसके पास ही फोन हो स्मार्टफोन हो कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय कर लो। ये देखिए कितना बढ़िया जगह है, एकदम खड़ी चट्टाने, वीडियो गेम की तरह अनचार्टेड। बाबा अशोक दादा ने बनाया था, बहुत बढ़िया था, नहीं बनाया था यार, बहुत भिक्षु यहाँ आके रहते हैं। नहीं बौद्ध लोग ने जहाँ भी जाओ बहुत अच्छा बनाया है, बौद्ध लोग, बौद्ध लोग जो बनाते थे बड़ा पीसफुल टाइप का दिखता था ऑलरेडी। इसे मछली है ये, इतनी ये अंदर इतनी ही जगह है यहाँ ना, उन लोग इतने साल पहले मतलब 230 BC के आसपास ना, उस समय यहाँ बहुत लोग रहते थे यहाँ पे ये दोनों साइड, और उन लोग अपना जो भी है ना बौद्ध धर्म का जो प्रैक्टिस होता है वो सब प्रैक्टिस करते थे यहाँ, पूजा पाठ जो भी करते हो। अरे नेचुरली वो वाटरफॉल है पीछे ना, बरसात होती तो पानी गिरने लगता है, नेचुरल वाटरफॉल है वहाँ, और वहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट है जो अशोका ने लिखवाया, ओरिजिनल देखना है यार, उसी समय का रखा हुआ। चलिए देखते हैं, अच्छे पहाड़ है चारों तरफ से एकदम खड़े। अभी शाम को आए हैं, ऑफ सीजन में तो ठीक है, नहीं तो ना इतने बंदर रहते साले यहाँ, कुछ पूछने गए हैं काहे बंदर को साला बनाए ले रहे हैं। चल सकते हैं ना कंप्यूटर पर, पता नहीं जूता उतार के चलना रहता है। नहीं भाई उधर थोड़ी मंदिर, कहाँ पे है अशोक भाई का, मतलब अशोक दादा है? अरे सॉरी, अरे हमारे एक मित्र हैं अशोक भाई, तो मेरे मुँह से अशोक भाई निकलता है, सम्राट अशोक का। ये देखिए मछली, बेचारे कितना बढ़िया कुंड है। अपने वीडियो गेम के दुनिया में भी ऐसे ही सीन्स रहते हैं, बहुत मस्त लगता है। अरे मुनि मैया, यहाँ तो शार्क है, कैटफिश है, कैटफिश है, अच्छी बड़ी बड़ी है, वाली है भाई। शूटिंग करने अच्छी बड़ी बड़ी है, बच्चे भी हैं छोटे-छोटे, उधर खेल रहे हैं बच्चे आपस में। अच्छा इन लोगों ने इंसानों को देख के आते हैं, खाना देखते हैं ना लोग, आटा वाटा मिलता है। अच्छा झरना, ओरिजिनल
इस भाषा को समझते कैसे थे लोग इतने हजारों साल पुरानी भाषा। ये सेम चीज ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखी गई है अफगानिस्तान में। अच्छा ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा ऐसे ही ये प्राकृत में लिखा है तो ग्रीक में ट्रांसलेशन हुआ, ग्रीक का इंग्लिश हुआ तो अपन को पता चल गया क्या लिखा है। बहुत मस्त जगह है। ये लोग वहाँ कहाँ से पहुँच गए? बढ़िया चले हो गया यहाँ का इतना ही है, बस इतना ही है फिनिश। अब चलो छोटी सी जगह पर बढ़िया जगह है। हो वानर आ गया है? नहीं डर नहीं रहता कि बांदर आ गया और क्या। इसके साथ सेल्फी लेंगे। बहुत भूखा ही आदमी, फुल्की पे फुल्की सोटे पड़े हैं एकदम। चलो टेस्ट कर ही लेते हैं फिर। अच्छी थी वो वाली फुल्की, बहुत गंदी थी ये फुल्की। पानी वाली खाते हैं, बड़ी कड़क एकदम कुरकुरी फुल्की थी, मजा ही आ गया मेरे को तो। बोले ना वो रिव्यू पहले ग्राहक ने दे दिया। अभी आप और खा रहे हैं, गजब ही फूके हैं आज आप। भाई हम खाना खा सकते हैं फुल्की का, और खाया भी हूँ बेरोजगारी के दिन। 80 रुपए की फुल्की खाता था भैया, सुबह खाता रहा एक डोसा 10 रुपए का और शाम को। कहाँ कहाँ? जबलपुर में, कॉलेज में। चलिए उठाएं बाइक। बढ़िया फुल्की खिलाए एकदम कुरकुरी। हमारे पंडित जी ये रहे भविष्य के जीटी ओनर, और ये भाई साहब इनके साथ में आए हुए हैं। इनको मीठी फुल्की ज्यादा पसंद है। मेरे को नहीं उसको। चलो चला जाए। अपनी अपनी गाड़ी उठा लेते हैं। आज सुबह खाना क्या नहीं खा के चले, आज पूरी दुनिया खा लेंगे वो। मेरे सब्सक्राइबर्स का आप बताइए चिप्स खा ले रहे। चलिए चला जाए। कौन सी? भारी तो है। ओरिजिनल साइलेंसर है। भगा दे कहीं भीड़ गए तो। राजा लो करो। अभी इसका साइलेंसर लगता खुला नहीं है। इसका ओरिजिनल साइलेंसर है ना, अलग वाला अलग से नहीं लगवाए हम, इसलिए वो शोर मचाता है। चलो बाय 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 बाय। देखो क्या है, क्या हुआ? अच्छी गाड़ी नहीं लगी? अच्छी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई लड़का साइकिल खराब।
वाह हेलमेट में ना हेलमेट वो कैमरा है कैमरा हाँ मछली पकड़ने जा रहे हैं सब बंदर है बंदर है बंदर है बंदर भाई हाँ राइडर प्रोवाइडर भी है भाई है राइडर बस नहीं प्रोवाइडर भी है क्या अगला टायर तो है अगला टायर उठाएंगे तो गिर पड़ेंगे वो वाले राइडर थोड़ी है कि अगला टायर उठाएं पिछला टायर उठाएं ऐसी टूटी रोड में कैसे उठाएंगे यार इनके पास पूरा सामान है हाँ कैमरा भी लगाया है सामान हम दोनों के पास में है उनके लेकिन उनके पास राइडिंग गियर है किंग आ रहा है वो देखो हाँ किंग है ना ये हाँ इसको गुस्सा कर दोगे तो दौड़ाए दौड़ाए पहलेगा बाकी सबको मार लो चलेगा इसको नहीं मार सकते लेकिन इसको अगर मार दिए तो सबकी गांड फट जाएगी ये भी बात है वैसे तो मैं अपने व्लॉग में ऐसे डायलॉग नहीं डालता पर ये वाला मैं डालूंगा यूट्यूब चलाते हैं बताओ भैया क्या नाम से चैनल है आपका रिकी जीटी वाला नाम से ये लड़का मेरा लेटेस्ट सब्सक्राइबर होने वाला है इसने प्रॉमिस किया है कि ये घर जाके अपने मोबाइल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा भूल गया नाम याद है चैनल का हाँ। क्या नाम कुछ बताए थे बा कैसे सब्सक्राइब करोगे कैसे हम मोबाइल में सर्च कर लेंगे रिकी RICKY रिकी जीटी जीटी वाला समझे हमारे भैया भी वो करते हैं ना राइडर अच्छा कहाँ राइड करते हैं तुम्हारे भैया वो भैया जाते हैं जबलपुर गए थे धुआंधार भी गए थे वो मतलब घर में ज्यादा नहीं रहते हैं जाते कहीं भी जाते हैं हाँ। हाँ। उनके 6,000 है नहीं गंदा नहीं रहता है अभी कहीं कर देंगे बंदर तो है बहुत ज्यादा बंदर नहीं गंदगी करता है इंसान गंदगी करता है बंदर को बेचारे को काहे दोष दे रहे हो जो भी दुनिया में गंदगी हो इंसान ही कर रहा है इंसान तो इंसान ही करता है जानवर नहीं करता है ये कपड़े अपने डाल दुनिया में जितनी भी फ्रॉड गंदगी हो सब इंसान की देन है बहुत जोर सूसू आ रहा है मेरे को यार बहुत गोबर है यार जगह तो बहुत जगह तो अच्छी है सुसु कराऊं क्या बोल रहे हैं कि जगह तो देखिए बहुत ही अच्छी है लेकिन अब चूंकि इंसान इंसान कैसे कोई चीज सही कर सकता है गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगा यार खिलता है ये याद रखोगे नहीं अच्छी जगह है अच्छा पहाड़ है यार ये चलो वीली मार।
अब जो है वो बोल रहा था ऊपर पहाड़ के चढ़ने को। चलिए वापस। अपने साथ बैठा लीजिए बादर को भी। इसको वो चोट लगी क्या? चोट लग गई है। पागल टाइप की हो गई है, इसलिए डरा रही है इंसान से। अच्छा देखो बहुत लगता है इसका इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं इधर कहाँ है, ले आज इलाज करवाते हैं जंगल वाले। तुम भी डरते हो? नहीं, तुम अपने रास्ते चले जाते हो तो कुछ नहीं करते है ना। हाँ, उनको भी धमकी नहीं करते हैं। कभी डराए तुमको? नहीं, हम कभी नहीं डराए। चाहे उनको आंखों आंखों देखेंगे ना अपन, उनको आंखें तकेंगे, वो ऐसा दौड़ाएंगे ऐसा दौड़ाएंगे। बंदर के कभी आंख में नहीं देखना चाहिए। हाँ। चलो बाय। अब ये खाएंगे रसगुल्ला रबड़ी। अब क्या खाएंगे? अब रसगुल्ला रबड़ी। कटंगी में हम लोग आ गए हैं झुर्रे का रसगुल्ला खाने। कितना बड़ी हमको हमारे जैसे लोग मिल हो जाते हैं। क्या बहुत अच्छा है, अति सुंदर। चलो हम भी खा के देखते हैं तब तो। ऐसा रसगुल्ला रबड़ी है ना कि बस थक ही जाएगी खा के भाई। इतना बढ़िया है, मज़ा ही आ गया। एंजॉय करा लिया आज। आज ही बहुत काम कर। हाँ, इसको कहते हैं इसको भाई। आइए सबसे मिल लिया जाए। भैया जी प्रणाम। भैया समझदार सुखों को भी हमारा अभिवादन। बहुत दिन बाद में साइड जानकारी दे रहे। तबीयत पानी ठीक है? थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा, दवाई इस समय लगता नहीं ले रहे हैं आप, इसीलिए क्या कर रहे हैं? ठंडी आ रही है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या खेल रहे हो तुम लोग? कौन सा? अच्छा अच्छा, ये गाड़ी। और ये बीच वाला बच्चा वो है
गेमर हाईवे पर रुक गए हैं थोड़ी देर, बढ़िया बैठ गए हम लोग, सनसेट हो रहा है तो मजे ले रहे भाई, कि सनसेट बहुत जरूरी है असली 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 मजा तो हम ही लोग जीवन का ले रहे हैं। मूड होता है बाइक पे आके भाग जाते हैं, सुबह से गायब सीधे रात में पहुंचते हैं, सही है, नहीं जरूरी भी है, बुढ़ापा आने से पहले चला लो गाड़ी। तो वहाँ लौंडे लोग रहे, यक्कड़ थे उन लोग, मैं कैंपिंग कर रहा था ना, तो उन लोग नीचे बरसात में वैली के नीचे पानी गिरा था खूब छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, तो वहाँ से ऊपर आए थे, बनियान टेंट भी ऐसे है 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे, ठीक है, मैं वहाँ टेंट लगाया हुआ था, पूरा चट्टान चट्टान थी, आए तो भैया ब्लॉग बनाते हैं आप, ठीक है, सब्सक्राइब वब्सक्राइब तो किए फिर, लेकिन मज़े की बात यह है उनने एक वर्ड बोला, मैं बोला यार तुम लोग बरसात में ऊपर आ रहे हो, तो भैया इंजॉय चलते रहनी चाहिए। तो अपना भी एंजॉय चलता रहना चाहिए, इंजॉय चलती रहनी चाहिए, वही बोले कि एंजॉय चलती रहनी चाहिए, बाकी तो है ही है, बाकी तो सर का दर्द है ही, चल ही रहा है सब, एंजॉय चलते रहना चाहिए, बढ़िया चीज बोली लड़के ने, है ना, एंजॉय चलती है तो क्या मजा आता भाई, राइड करो 50-20 किलोमीटर चलाओ फिर रोको, फिर थोड़ा पानी वानी पियो, चाय नाश्ता करो, कुल्फी खाओ, 20-50 किलोमीटर चलाओ तो गाड़ी को भी मजा रहता है, और फिर जब चलाओ तो ऐसे चलाओ कि भाई चला ही रहे, अपन चलते हैं तो यार एक गुजारिश है, ये जो बिजली वाले ऑटो आजकल चले हैं, जैसे तो चला जा रहा है, प्लीज इनमें ना बैठा करो, ठीक है, ये देखो ये लाइट इसकी नहीं जल रही है, आप इस ऑटो में बैठोगे तो सोच लो आप कितने रिस्क में हो, अगर सामने वाले को इसका ऑटो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वैसे ही बटाना सा होता है, तो आप जो इसके अंदर बैठे हुए हो बिना ये सोचे कि भाई ये ऑटो कितना अनसेफ है, कि इसने लाइट तक नहीं जला के रखी है बैटरी बचाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े डेंजर में चल रहे हो, कोई भी सामने से आके बगल से कहीं से भी आके उड़ा देगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा बेचारे को, उसकी क्या गलती, क्योंकि ये होशियार वैज्ञानिक लोग इतने हैं कि लाइटें बंद कर देते हैं उसकी, बिना लाइट के ही रात में चलाए रहते हैं शहर में, तो प्लीज ऐसे ऑटो पे मत बैठो, ये जो बिजली वाले हैं, अपना डीजल पेट्रोल वाला ही सेफ था, ये देखो इसको देखो अब लाइट बंद करा हुआ है, मतलब यार हद हो गई,
एक ये देखो, इसको भी देखो, ये भी लाइट बंद करा हुआ है। और आप लोग क्या क्या है कि आप लोग नहीं मतलब जो भी लोग हैं जो इसमें बैठ जाते हो बिना सोचे समझे, आपको तो अकल होनी चाहिए कम से कम। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें और ऐसे ऑटोज में मत बैठो, अपने जान का खतरा क्या उठा रहे हो। ये देखो अब ये बिना लाइट के ऑटो चला रहा है अपना सड़क में।